शांति। आज 3 नवंबर 2024 और आज भैया दूज है। आत्मिक नाते से सभी भाई बहनों को बहुत बहुत भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा ने संगम युग पर हम सभी को अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी को विकसित करने की ये बहुत अच्छी युक्ति बताई है कि बच्चे भाई भाई की वृत्ति रहे, भाई भाई की दृष्टि रहे और भाई भाई की कृति रहे। बाबा कहे जितना आत्मिक वृत्ति को विकसित करते जाएंगे, आत्मिक वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना, आत्मिक दृष्टि अर्थात हर एक को लाइट स्वरूप में देखे, फरिश्ते स्वरूप में देखे, और आत्मिक कृति अर्थात सर्व आत्माओं को सुख देना है, सुख लेना है। तो बाबा हम बच्चों की बहुत सरल विधि से प्योरिटी की पर्सनैलिटी को विकसित करते और आज के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य भी इसी बात पर है कि बच्चे अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में सदा स्थित रहना है। तो आज स्नेह का सागर बाप दादा अपने सभी स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे रूहानी सूक्ष्म स्नेह की डोर से हर बच्चे मधुबन में पहुंच गए हैं और बाबा भी वतन से खींच करके मधुबन में आ गए हैं। इसी स्नेह की डोर में बाप और बच्चे दोनों ही बंधे हुए हैं। बाप दादा ने खाली सन्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं देखा, लेकिन दूर बैठे हुए बच्चों को भी बाबा देख रहे हैं कि कैसे हर एक स्नेह में समाये हुए हैं। बाबा कहे संगम युग पर ही ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में और कभी भी अनुभव नहीं हो सकता, सिर्फ अभी ही अनुभव हो सकता है। फिर बाबा ने बच्चों की पवित्रता की रॉयल्टी को देखा। अनादि काल से लेकर आदि काल, मध्य काल और अंत संगम युग के काल में भी बाबा ने बच्चों की प्योरिटी की रॉयल्टी देखी। तो बाबा कहे आपकी प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी की निशानी है लाइट का ताज। तो सारी सभा को बाबा प्योरिटी के लाइट के ताज धारी के रूप में देख रहे हैं। बाबा कहे कितनी सुंदर शोभनिक ये सभा लग रही है। फिर बाबा ने देखा कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। संगम युग की बच्चों की रॉयल फैमिली भी कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि काल में रॉयल्टी को याद करो। बाबा कहे जब आप आत्मा परमधाम में रहती हो तो भी आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है, आकर्षण करने वाली है। बाबा कहे जिस तरह आसमान में सितारे तो सब है, लेकिन कोई कोई सितारा विशेष ध्यान आकर्षित कर देता है, ऐसे अनादि काल में भी आपकी झलक फलक न्यारी है। फिर बाबा कहे आदि काल में आओ, तो आदि काल में भी देवताओं का स्वरूप रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी इतनी विशेष है। रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की पर्सनैलिटी याद आती है, पूछते बाबा। बाबा कहे देवताई स्वरूप ही रॉयल्टी का स्वरूप है। ऐसा सारे कल्प में रूहानी रॉयल्टी वाला स्वरूप किसी का नहीं हो सकता है। फिर बाबा कहे मध्य काल द्वापर से लेकर देखो, आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं उन चित्रों की रॉयल्टी,
पूजा की रॉयल्टी भी कितनी है, जो और किसी चित्रों की नहीं होती, चाहे नेताओं के चित्र भी, अभिनेताओं के चित्र भी है, लेकिन पूजा की रॉयल्टी सबके लिए नहीं होती है, वो सिर्फ देवताओं के लिए होती है। इसीलिए बाबा के चित्र तो सबके हैं, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी और किसी की नहीं दिखाई देती। ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक रूहानियत और किसी की न हुई है न होगी। क्यों? क्योंकि ये प्योरिटी की रॉयल्टी है, प्योरिटी की पर्सनालिटी है। इसलिए फिर बाबा के संगम युग में आओ तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का भी अनुभव नहीं होता, सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ये प्योरिटी की रॉयल्टी से ही, यही ब्राह्मण जीवन का आधार है, यही प्रभु प्यार का अनुभव करने का आधार है और सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव का आधार है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी ही प्योरिटी है और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो सारे कल्प के अंदर देखा जाए, अनादि काल, आदि काल, मध्य काल और अंत काल, तो बाबा कहे दर्पण में देखो आप अपने स्वरूप को, एक हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने परसेंटेज में है। हमारे चेहरे से वो प्योरिटी की झलक दिखाई देती है, चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है, फलक अर्थात नशा। तो चलन में वो फलक और रूहानी नशा दिखाई देता है। फिर बाबा ने जैसे एक एक ग्रुप्स को, कुमारियों को उठाया, कुमारों को उठाया और युगल मूरत और टीचर्स को उठाया, तो कुमारियों ने उस दिन पट्टा बांधा हुआ था एक व्रता, तो बाबा कहे एक व्रता का अर्थ ही प्योरिटी की रॉयल्टी है। कुमारियों ने तो पट्टा पहना है, लेकिन कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है और इसलिए बाबा कहे निरंतर प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले हैं। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है, ऐसा हरेक का वायदा है। फिर बाबा कहे प्योरिटी की वृत्ति माना शुभ भावना, शुभ कामना, पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना, फरिश्ते स्वरूप में देखना, और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, यह है प्योरिटी की निशानी। तो दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों में पवित्रता हो। तो बाबा कहे कोई क्या भी करता हो, दुख देता हो, इंसल्ट करता हो, लेकिन हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है फॉलो फादर करना। बाबा ने कभी किसी को दुख नहीं दिया तो हमें भी किसी को दुख नहीं देना है। कोई गाली दे रहा है लेकिन उस वक्त बाबा कहे आप सहनशीलता की देवी या देव बन जाओ, और आपकी सहनशीलता से गाली देने वाला भी आपको गले लगाएगा। सहनशीलता में इतनी शक्ति है लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव या देवियां होना, सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशीलता का देवता हूं, देवी हूं। तो बाबा कहे और भी जैसे दुनिया में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो आपको क्या करना है? ये चीजों को लेना नहीं है, लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो बाबा कहे जब अपने अनादि काल, आदि काल, मध्य काल, संगम काल, सारे कल्प की प्योरिटी की रॉयल्टी की पर्सनालिटी को याद करेंगे तो फील भी नहीं होगा। कोई क्या भी करे आपकी पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं सकता है। तो सब बात का डबल नशा हो, प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशीलता की देवी या देवता बनने का भी डबल नशा। बाबा कहे सिर्फ अमर रहना,
अमर भव के वरदानी कभी नहीं भूलना। फिर बाबा ने युगल मूरत को उठाया और कहते हैं बाबा ने प्रवृत्ति में रह करके युगलों को क्या डायरेक्शन दिया है, युगलों को यही डायरेक्शन दिया है कि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग हो। क्यों ये डायरेक्शन दिया है? क्योंकि बाबा कहे युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पांव में झुकाना है। वह लोग कहते भी है साथ में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो? बहुत सहज है। तो बाप दादा ने ड्रामानुसार आप सबको दुनिया के आगे एग्जाम्पल रखा है, सैंपल रखा है, जो चैलेंज करे, क्योंकि ये नई बात है कि साथ में रहते स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो ऐसे विश्व के शोकेश में आप एग्जाम्पल हो, सैंपल हो, जो आपको देख करके सब में ताकत आएगी कि हम भी बन सकते हैं। फिर बाबा ने लास्ट में टीचर्स को देखकर कहा, तो टीचर्स की विशेषता है कि हर एक टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे, फरिश्ता देखकर और भी फरिश्ता बन जाए। बाबा कहे ऐसा प्लानिंग करो जो हर एक टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, वो आपको न देखे बाप को देखे। तो बाबा कहे उसके लिए एक बात का टेंशन रखना, बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दे, दिखाई दूं, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे, मैं बाबा में समा जाऊं और मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। तो इसीलिए बाबा कहे ऐसा जब होगा तब विश्व परिवर्तन होगा। फिर बाप दादा ने डबल विदेशियों को स्पेशल प्यार देते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छा सेवा के निमित्त बने हो, कहां कहां बाबा का संदेश कितने देशों में पहुंचाया है, भारत में भी और विदेश में भी, इतना दूर दूर तक बैठ के पहुंचाया है जो कोई भी उल्हाना न दे कि हमें बाबा का परिचय नहीं मिला। तो इस तरह बाबा ने आज के मधुर महावाक्य उच्चारण किए। सुनते हैं बाबा के आज के अव्यक्त मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज 3 नवंबर 2024 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 25 अक्टूबर 2002 को सुनाए थे। आज की मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी की रॉयल्टी। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। मधुबन बाबा का स्वीट होम में सभी पहुंच गए हैं स्नेह की सूक्ष्म डोर से। जैसे बच्चे स्नेह से खींच कर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सन्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। बाबा तो सारे विश्व की आत्माओं को देखते हैं, सिर्फ सन्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं देखते। तो बाबा ने देखा जो चारों ओर दूर बैठे हुए बच्चे हैं, वह भी बाबा के स्नेह में समाये हुए हैं। सन्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा को भी इतनी खुशी होती है। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो।
बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं, बाबा हर एक बच्चे की प्योरिटी की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्योरिटी, तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी के निशाने प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सभी भी अपने प्योरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो? पूछते बाबा, आप भी देख रहे हो? पीछे वाले भी देख रहे हो? कितनी शोभनीक ताजधारी सभा है। जरा हम भी संकल्पना से अपने अंतर चक्षु से देखें कि जब बाबा हर एक बच्चे के सिर पर लाइट का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज जब देखते हैं तो वो सारी सभा कैसी लग रही होगी। कितनी शोभनीक ताजधारी सभा है ना पांडव? ताज चमक रहा है ना? ऐसी सभा देख रहे हो ना कुमारियां, ताजधारी कुमारियां हो ना? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। पांचों स्वरूप में रॉयल्टी का वर्णन बाबा कर रहे हैं कि प्योरिटी की रॉयल्टी कितनी है। तो सबसे पहले अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। परमधाम में जब हम हैं तो उस समय की रॉयल्टी कैसी होगी? जब आप आत्माएं परमधाम में भी रहती हो तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में हैं, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। चमक तो हर आत्मा रही है परमधाम में, परंतु बाबा कहे आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परमधाम? अनादि काल से आपकी झलक फलक न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा सितारे सभी चमकते हैं, आसमान में सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही है, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही परमधाम में भी सभी आत्माएं चमक रही है, तो बाबा कहे ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की चमक न्यारी है। याद आ रहा है ना? फिर आदिकाल स्वर्ग में देखो तो अनादिकाल में तो चमक एकदम न्यारी प्यारी है, फिर आदिकाल में आओ, आदिकाल को याद करो तो आदि काल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी कितनी विशेष रही है। देवताओं की रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है? देवताओं जैसी रॉयल्टी तो किसी की नहीं है। रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की पर्सनालिटी याद है ना? पांडवों को भी याद है? याद आ गया? फिर मध्य काल में आओ, द्वापर युग में आओ, तो मध्य काल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है? बाबा कहे चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी, चित्र भी कितने रॉयल बनाए जाते हैं, ऐसी बाबा कहे किसी चित्र की है? चित्र तो बहुतों के हैं, लेकिन ऐसी विधि पूर्वक पूजा
और किसी आत्माओं की है और किसी की नहीं होती है। इतनी श्रेष्ठ विधि पूर्वक पूजा होती है, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे नेताएं हैं, चाहे अभिनेताएं हैं। चित्र तो सबके बनते हैं, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? चित्र तो कई आत्माओं के, नेताओं के, अभिनेताओं के, सबके होते हैं, लेकिन न वो चित्रों की रॉयल्टी है और न ही उनकी पूजा होती है। डबल फॉरेनर्स ने अपनी पूजा देखी है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक, रूहानियत और किसकी भी नहीं हुई है, न होगी, न हुई है, न होगी। क्यों? प्योरिटी की रॉयल्टी है, जो देवताओं में है वो प्योरिटी की रॉयल्टी है। तो इसीलिए आज की दुनिया में न किसी के ऐसे चित्र है, क्योंकि उनके अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ही नहीं है। प्योरिटी की रॉयल्टी है, प्योरिटी की पर्सनालिटी है। अच्छा, देख लिया अपनी पूजा? नहीं देखी हो तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम युग पर आओ, मध्यकाल से फिर अभी लास्ट में संगम युग पर आओ, तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं, प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं, सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्योरिटी है, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है ही प्योरिटी, और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि अनादि, आदि मध्य और अंत, सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। पांचों स्वरूप में बाबा ने प्योरिटी की रॉयल्टी को स्पष्ट किया। तो अपने आप को देखो, दर्पण तो आप सबके पास है ना, दर्पण है, देख सकते हो, तो देखो हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितनी परसेंट में है। हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है, चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा, चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया अपने को? देखने में कितना समय लगता है? सेकंड ना। तो सभी ने देखा अपने को? पूछते हैं बाबा, एक दर्पण के अंदर अपने चित्र को देखा, यानी ज्ञान के, रियलाइजेशन के दर्पण में अपनी प्योरिटी की अवस्था को देखी है? फिर बाबा ने कुमारियों को देखते हुए पूछा, झलक फलक है, प्योरिटी की झलक और रूहानी नशा है? अच्छा, सभी उठो, खड़े हो जाओ। तो कुमारियों को लाल पट्टा लगा करके वो बैठी है, जिस पर लिखा है एक व्रता। बाबा कहे, सुंदर लगता है ना? एक व्रता का अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयल्टी। एक व्रता, एक के सिवाय और कोई नहीं। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है, वहां जाकर कच्चा नहीं कर लेना। और कुमार ग्रुप उठो। बाबा कुमारों को भी देखकर कहते, कुमार ग्रुप उठो। कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। बाबा किसी को भी कम नहीं दिखाते। कुमारियों ने पट्टा बांधा हुआ है, तो बाबा कहे, कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने, यानी कुमारियों ने तो बाहर से भी बांध लिया है, कुमारियों ने तो बाहर से भी बांध लिया है, प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है।
कि सदा अर्थात निरंतर प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले कुमार है। तो इसीलिए बाबा कुमारों से पूछते हैं कि प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले कुमार है, ऐसे हैं? बोलो जी हाँ। बाबा के बोलो जी हाँ, ना जी यहां जी, या वहां जाकर पत्र लिखेंगे थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया, ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है, ऐसा वायदा है। पक्का वायदा है तो हाथ हिलाओ। टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं, जो ढीला होगा ना उसको ये चित्र भेजेंगे, इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ पक्के हैं पांडव तो पक्के होते हैं, पक्के पांडव, बहुत अच्छा। फिर बाबा कहे प्यूरिटी की वृत्ति है शुभ भावना शुभकामना। प्यूरिटी की वृत्ति किसको कहा जाता है? शुभ भावना शुभकामना, कोई कैसा भी हो लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ते रूप में देखना, आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना। तो वृत्ति दृष्टि और तीसरा है कृति। वृत्ति पवित्र मन शुभ भावना शुभकामना, पवित्र दृष्टि मन हर एक को आत्मिक रूप में देखना फरिश्ता रूप में देखना, और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, यह है प्यूरिटी की निशानी। तो प्यूरिटी की वृत्ति दृष्टि और कृति। वृत्ति है शुभ भावना शुभकामना, दृष्टि है आत्मिक दृष्टि फरिश्ते के रूप में देखना, और कृति है कि सबको हर आत्मा को सुख देना सुख लेना, यह है प्यूरिटी की निशानी। वृत्ति दृष्टि और कृति तीनों में यह धारणा हो, कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना। तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया व सुख दिया, फॉलो फादर करना है तो ब्रह्मा बाप ने कभी किसी को दुख दिया? तो बाबा के दुख दिया या सुख दिया? सुख दिया ना। तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं ना? बाबा कहे नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो, कोई अगर बहुत दुख देवे तो कैसे बाबा परीक्षा भी लेता है, बहुत गाली देवे बहुत इंसल्ट करे तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारियां फील करेगी थोड़ा? तो फॉलो फादर, ये सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। सामने वाले का कर्तव्य देख करके अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वो गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव व देवियां हो ना, हो। सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूं,
मैं सहनशीलता की देवी हूं। तो देवता अर्थात देने वाला दाता, कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है तो किचड़ा है ना, ये अच्छी चीज है तो आप लेते क्यों हो? वो किचड़ा दे रहे हैं, आप लेते क्यों हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो ये क्या है? अच्छी चीज है, फिर आप लेते क्यों हो? इतने वो हीनता वाली चीज है, तो बाबा कहे आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हैं, पीछे सोचते हो नहीं लेना था। बाबा कहे पुराने संस्कारों के कारण थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो, पीछे सोचते हो नहीं लेना था, तो अभी लेना नहीं। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। जैसे लिया माना वो चीज की फीलिंग मन में आना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के प्यूरिटी की रॉयल्टी, पर्सनालिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं सकता। ये रूहानी नशा है ना, और डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा है ना, डबल नशा है ना, सब बात का डबल नशा, प्यूरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना, डबल। सिर्फ अमर रहना, अमर भव का वरदान कभी नहीं भूलना। अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले हैं अर्थात युगल, वैसे सिंगल रहते हैं। कहने में युगल आता है, अरे अपने आप में सिंगल है, कहने में युगल आता है वह उठो। तो बाबा ने पहले कुमारियों को पक्का कराया, कुमारों को पक्का कराया, फिर अभी बाबा कहे जो युगल मूरत है वो उठो, खड़े हो जाओ। युगल तो बहुत है, कुमार कुमारियां तो थोड़े हैं, कुमारों से तो युगल बहुत है। तो युगल मूरत बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है? आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है? प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है जानते हो? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पांव में झुकाना है। है इतनी हिम्मत? वह लोग कहते हैं कि साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो? मुश्किल है या सहज है? तो किसी ने कहा बहुत सहज है, बाबा के पक्का है, या कभी इजी कभी लेजी, कभी इजी कभी लेजी। इसलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है चैलेंज करने के लिए। एग्जाम्पल क्यों बनाया? चैलेंज करने के लिए। तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त, अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हो तो चैलेंज करने वाले हो ना। सभी चैलेंज करने वाले हो, थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो? चैलेंज तो करे लेकिन पता नहीं क्या हो। तो चैलेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात यही है कि साथ रहते भी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो ऐसे विश्व के शोकेश में आप एग्जाम्पल हो, सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो। आपको देख करके सब में ताकत आएगी,
आपको देख करके सबने ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं। ठीक है ना, शक्तियां ठीक है, पक्के हो ना, कच्चे पक्के तो नहीं, पक्के। बाप दादा भी आपको देख करके खुश है, मुबारक हो। देखो कितने हैं, बहुत अच्छे। बाकी रही टीचर्स, तो टीचर्स को भी आज बाबा ने विशेष खड़ा किया। टीचर्स के बिना तो गति नहीं, टीचर्स उठो। अच्छा, पांडव भी अच्छे अच्छे हैं, वहां टीचर्स की विशेषता है। बाबा कहे वह टीचर्स की विशेषता है कि हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। ऐसे टीचर्स हो ना, बाबा पूछते, ऐसे टीचर्स हो ना, आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ता बन जाए, जो भी देखे वो भी फरिश्ता बन जाए। देखो कितने टीचर्स हैं, फॉरेन ग्रुप में भी टीचर्स बहुत है, विदेशी बहनें भी बहुत है। अभी तो थोड़े आए हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। अच्छा है, अभी टीचर्स मिल करके ये प्लान बनाओ, या प्लान बनाएंगे कि अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, और आप कहते हो नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। हर टीचर में अगर बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, अनुभव हो, तो बाबा के सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। जिसको देखे उसमें बाप ही दिखाई दे, आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए, आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे, ये हो सकता है? पूछते बाबा, ये हो सकता है? अच्छा, इसकी डेट क्या, कब तक दिखाएंगे? डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना, तो डेट कौन सी है इसकी, कितना समय चाहिए? तो किसी ने कहा अब से चालू करेंगे। बाबा कहे चालू करेंगे, अच्छी हिम्मत है, कितना समय चाहिए? 2002 तो चल रहा है, अभी 2000 कब तक? बाबा कहे अब 2000 कब तक? तो टीचर्स को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर में समाई हुई दिखाई दूं। तो बाबा विशेष अंडरलाइन कराते हैं कि टीचर्स को यही अटेंशन रखना है, क्या, कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। प्लान बनाएंगे ना, डबल विदेशी मीटिंग करने में तो होशियार है, अभी ये मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं, कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे। अभी ब्रह्मा कुमारियां दिखाई देती है, ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छी है, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वह देखे, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो डबल विदेशी इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना, करेंगे पक्का। अच्छा, तो आपकी दादी है ना, उसकी आशा पूर्ण हो जाएगी, जानकी दादी की आशा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, देखो डबल विदेशी कितने सेवाधारी हो, आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है, बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है?
क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं वह विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी रह जाती। अभी बाप को उलहना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विदेश में क्यों नहीं संदेश दिया। बाबा को नहीं तो उलहना मिलेगा, विदेश में क्यों नहीं संदेश दिया। तो बाप का उलहना पूरा करने के निमित्त बने हो, और जनक को तो उमंग बहुत है, कोई देश रह नहीं जावे। बाबा जानते हैं दादी जानकी का उमंग ये बहुत है कि कोई देश रह नहीं जावे। अच्छा है, बाप का उलहना तो पूरा करेंगे ना, लेकिन आप दादी जानकी को देखते हो, बाबा कहते हैं लेकिन आप साथियों को थकाती बहुत हो। थकाती है ना, बाबा जयंती दीदी से देखकर कहते हैं जयंती थकाती नहीं है, लेकिन इस थकावट में भी मौज समाई हुई होती है। पहले लगता है कि ये बार बार क्या है, लेकिन जब भाषण करके दुआएं ले आते हैं ना तो चेहरा बदल जाता है। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। ये शांत करके बैठ नहीं सकते, दादियां शांत करके बैठ नहीं सकते। सेवा अभी रही हुई तो है ना, अगर नक्शा लेके देखो चाहे भारत में चाहे विदेश में, अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई देंगे कि अभी भी रहे हुए हैं, कई देश रहे हुए हैं। इसलिए बाप दादा खुश भी होते हैं और कहते भी है ज्यादा नहीं थकाओ। बाबा दादियों को कहते ज्यादा नहीं थकाओ, आप सब सेवा में खुश हो ना। अभी ये कुमारियां भी तो टीचर बनेंगी ना, जो टीचर है वह तो है ही, लेकिन जो टीचर नहीं है वह टीचर बन के कोई ना कोई सेंटर संभालेगी ना, हैंड्स बनेंगे ना। डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है, डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ही। कौन सा डबल काम, जॉब भी करते हैं सेंटर भी संभालते हैं। इसलिए बाप दादा डबल मुबारक भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदि काल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर वन बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा विदेश की मुख्य टीचर्स बहनों से मुलाकात करते हैं और कहते हैं सभी ने सेवा के प्लान अच्छे अच्छे बनाए हैं ना, क्योंकि सेवा समाप्त हो तब आपका राज्य आए, तो सेवा का साधन भी आवश्यक है। लेकिन मनसा भी हो वाचा भी हो साथ साथ हो, मनसा और वाचा साथ साथ हो, सेवा और स्व उन्नति दोनों ही साथ साथ हो, ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है। तो सेवा के निमित्त तो हो ही, और सभी अपने अपने स्थान पर सेवा तो अच्छी कर रहे हो, बाकी अभी जो काम दिया है उसका प्लान बनाओ। उसके लिए क्या क्या स्वयं में व सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन चाहिए, वो प्लान बनाओ। बाकी बाप दादा
सेवाधारियों को देख करके खुश तो होते ही है। सभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नति को पा रहे हैं ना, उन्नति है ना, अच्छा है, अच्छा हो रहा है ना, हो रहा है और होता रहेगा। अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनके संगठन करके उन्हों को पक्का करो, प्रैक्टिकल सबूत सबके आगे दिखाओ। चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, भिन्न भिन्न प्लान बनाते हो, कर भी रहे हो, अच्छे चल भी रहे हैं, अभी उन सभी का ग्रुप एक सामने लाओ जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आ जाए। ठीक है ना, बाकी सभी अच्छे हो, अच्छे ते अच्छे हो, सभी अच्छे हो, अच्छे ते अच्छे हो। अच्छा, ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, तीन स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। तीन स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को तीन स्मृतियों का तिलक दिया है, एक स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। जिन्हें ये तीनों स्मृतियां सदा है उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है। इन तीनों स्मृति अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है उनमें अचल अडोल रहेंगे। आज का स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। अच्छा, ओम शांति।